नाम अंकित सारस्वत है और मैं आगरा से हूँ, सिंगर। सिंगिंग का जुनून एक्चुअल में बचपन से ही था, लेकिन उसको पर अभी लगे हैं, 2 साल हुए। जब मैं MBA में था तब मेरे फ्रेंड्स ने मुझे बहुत मोटिवेट किया, क्योंकि जनरली मैं सारे जो हमारे कॉलेज के होते थे, फेस्ट होते थे या जनरल लोकल लेवल पर जो हम करते थे, उसमें मैं गाने गाता था, तो उनको अच्छे लगे। उन्होंने मुझसे कई बार कहा कि किसी शो में जाओ, किसी नेशनल लेवल के कॉन्टेस्ट में आप हिस्सा लो। तो मैंने कहा ठीक है, मैं करता हूँ, लेकिन उस समय अभी तक भी मेरे को ऐसा नहीं लगा कि मुझे कुछ करना चाहिए। लेकिन हाँ, जब मैं अपने दोस्तों से मिला, अंकित दिव्यांशु जो इस समय म्यूज़िक डायरेक्शन भी कर रहे हैं, दे आर ऑल्सो इन द स्ट्रगलिंग स्टेज, उनके साथ मैंने मिलके ये अपने गानों को एक राह दी। ओके, जब ये राह दी गई तो सबसे पहले कॉम्प्लीमेंट क्या मिला था आपको कि आप भाई इस बड़े अच्छे सिंगर हो, बॉलीवुड में ट्राई करना चाहिए आपको? देखिए, मुझे सबसे अच्छा कॉम्प्लीमेंट जो आज तक मिला है वो ये मिला है कि जो मेरे कॉलेज के मेरे फ्रेंड्स ने ही दिया है मुझे। मेरे जो इंस्पिरेशन रहे हैं किशोर दा, उनका मुझे टैग मिला था जब मैं कॉलेज में था, तो मेरे लिए आज तक उससे बड़ा कॉम्प्लीमेंट कोई नहीं हो सकता, क्योंकि उनकी बराबरी करना मतलब सूरज को दिया दिखाने के बराबर है। लेकिन फिर भी उन्होंने मुझे वो टैग दिया, और हमेशा सारे दोस्त जितने भी हमारे एडमिन के लोग थे, मेरे कॉलेज के जितने भी टीचर्स थे, डायरेक्टर्स थे, वो सब लोग मुझसे बोलते थे कि यू आर किशोर दा ऑफ फर्स्ट टाइम आ, तो मुझे बहुत अच्छा लगता था। वो कॉम्प्लीमेंट मेरे लिए बहुत कुछ है। अंकित भाई, ये वॉइस किस जॉनर को बिलोंग करती है, सूफी, वेस्टर्न? देखिए, मैंने कभी प्रोफेशनल ट्रेनिंग नहीं ली, लेकिन कोई सेट जॉनर भी नहीं है मेरा, लेकिन मैंने जो स्टार्ट किया है वो है सूफी रॉक। सूफी रॉक जो है वो मिक्सचर है सूफी जॉनर का और रॉक जॉनर का, तो जिसमें हम जब गाते हैं तो पिच थोड़ा हाई रहता है, लेकिन फील जो है वो आ जाती है, तो मेरा वो ज�ॉनर है। बहुत सारे ऐसे गाने हैं जब मैं अपने कॉलेज में गाता था, और जनरली हम लोग फ्री टाइम में जब कैंटीन में बैठते थे तो मेरे साथ मेरे दोस्त आके बैठ जाते थे, करीब 20-25 लोग हम लोग बैठते थे, और फिर जब मैं गाता था तो वो सब मस्त हो जाते थे। तो जनरली हम लोग जो गाते थे उन गानों में से कुछ हैं, जैसे रिमझिम घिरे सावन, जो किशोर जी का बहुत बहुत बढ़िया गाना है। इसके अलावा मेरे मित्र जो मुझे बार बार कहते थे कि भाई ये सुनाओ मुझे, वो सुनाओ, वो है आते जाते खूबसूरत आवारा रास्तों पे, बहुत पसंद है, मुझे भी बहुत पसंद है वो गाना। आते जाते खूबसूरत आवारा सड़कों पे, कभी कभी इत्तेफाक से कितने अनजान लोग मिल जाते हैं, उनमें से कुछ लोग भूल जाते हैं, कुछ याद रह जाते हैं, उनमें से कुछ लोग भूल जाते हैं, कुछ याद रह जाते हैं। आपका बॉलीवुड का सफर स्टार्ट हो चुका है, और बहुत मुश्किल भी होता है क्योंकि बहुत एल्बम्स आते हैं और पता नहीं कब चले आते हैं, लेकिन कुछ एल्बम्स ऐसे होते हैं जो दिल को टच कर जाते हैं, कितना इत्तेफाक रखते हैं आप इस बात से? बिल्कुल इत्तेफाक रखता हूँ मैं इससे, क्योंकि बहुत सारे गाने आते हैं, रोज बनते हैं, लेकिन कुछ एक ऐसे गाने होते हैं जो लोगों के दिल को छूते हैं, श्रोता जिनको पसंद करते हैं, और मुझे बहुत अच्छा लगता है जब मेरे गानों को कोई सुनता है और मुझसे बोलता है कि मैं आपका फ़ैन हो गया, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। मैं उसको आप एक कॉम्प्लीमेंट की तरह से लेता हूँ, बहुत अच्छा लगता है मुझे। आगरा से लेकर मुंबई तक का सफ़र कैसा रहा? देखिए, आगरा बहुत बड़ा शहर नहीं है, लेकिन हाँ, दुनिया भर में जो है एक उसको एक इम्पोर्टेंस मिली हुई है जस्ट बिकॉज ऑफ ताजमहल, और इतना खूबसूरत बना हुआ है ताजमहल, वो उसकी जो खूबसूरती है, मैं चाहता हूँ मेरी आवाज़ में आ जाए, मैं चाहता हूँ कि लोग जब सुने मेरी आवाज़ तो ये कहें कि हाँ, ये है जो ताजमहल को बिलोंग करता है। और अगर कोई
बोले कि हाँ भाई आगरा में क्या चीज़ें फेमस हैं, तो मैं चाहता हूँ कि लोग कहें कि हाँ ताजमहल एक है फेमस, तो एक हो सकता है अंकित भी है। ऐसी ही कई इंटरेस्टिंग बातों के लिए सब्सक्राइब कीजिए बॉलीवुड वाला को, डू शेयर योर फीडबैक्स, कमेंट ऑन आवर स्टोरीज एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक द स्टोरीज।